हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉयज़। एंड टुडे आई एम गोइंग टू अनबॉक्स द कंस्ट्रक्शन मशीन्स। तो कंस्ट्रक्शन टॉय सेट्स जो है, जो कि ये ऐसे कुछ मेरे पास छोटे मोटे जेसीबी है, तो मैं अभी वो अनबॉक्स भी करूँगा और आपको रिव्यू में उसकी प्राइसेस और उसकी क्वालिटी भी आपको बताऊँगा। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ये है वो जेसीबीज़। तो कंस्ट्रक्शन का ये जो है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बात करते हैं इसकी, तो ये है इंडियन। सो ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग वाला है और ये जेसीबी आपको 100 रुपये के अंदर ही मिल जाएगा। साइज़ भी इसकी काफ़ी बड़ी है कंपेयर टू अदर टॉयज़। तो देखो, यहाँ पे साइज़ उसकी बड़ी है, लेकिन इसकी क्वालिटी में अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टायर ऐसे हिलते हैं और यहाँ पे गियर बॉक्स इसका मेटल का आता है और हम इसको घुमाएंगे तो ये काफ़ी, मतलब इतना तेज़ी से घूमता नहीं है, जाम जाता है, काफ़ी कई बार अड़क अटक भी जाता है। तो ऐसा है ये, इसका ये फावड़ा ऊपर नीचे होता है, ये फिनिशिंग में अभी ये निकल आता है ऐसा। और यहाँ पे ऐसा जुड़ता भी है तो। और फिनिशिंग, अब फिनिशिंग की बात करें तो देखो, ये एक्स्ट्रा प्लास्टिक निकला हुआ है तो ऐसा है। और ये बाकी के जो है, सब के सब इम्पोर्टेड है। तो बात कर लेते हैं इस मिक्सर की, तो ये आपको 120 रुपये के आसपास मिल जाएगा। ये साइज़ में छोटा है लेकिन अच्छी क्वालिटी है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये ज़्यादा देर तक घूमता है, इसका पहिया भी, और ये भी मूवमेंट होती है इसकी भी। प्लास्टिक भी काफ़ी हेवी क्वालिटी का है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है, कहीं पे भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक निकला हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इसकी, तो ये सिंपल सा ट्रक है, इसका ये ऊपर नीचे होता है, मूवमेंट होती है, ये भी 120 का ही है, 120 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर आप फिनिशिंग और चलने की बात करें तो इसका गियर बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है, ढका हुआ है इसका गियर बॉक्स, और ये इंपोर्टेड है क्योंकि, और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसके पहिए ज़्यादा देर तक तो घूमते हैं। बात कर लेते हैं इसकी, तो ये है एक फायर ट्रक, और ये फायर ट्रक भी काफ़ी अच्छा है, इसका ये मूवमेंट नहीं होता है, ये सीढ़ी ऊपर या ऐसी मोशन में नहीं है, और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है, गियर बॉक्स भी ढका हुआ है, और ये देखो ये भी काफ़ी देर तक घूमते रहते हैं पहिए, एकदम स्मूथ है, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। इसका भी आप एक्स्ट्रा प्लास्टिक निकला हुआ आपको नज़र नहीं आएगा जैसे कि इंडियन में था। तो ये देखो, ये इंडियन में ये ऐसा एक्स्ट्रा प्लास्टिक निकला हुआ है, मेरी उंगली की तरफ ध्यान दो, और ये देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा प्लास्टिक है, और बहुत सारी जगह पे ये देखो ये भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक निकला हुआ नज़र आता है। तो वेस्ट काफ़ी कर रहे हैं वो मटेरियल, अगर हम बात करें तो ये वेस्टेज आपको अभी इसका इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई देगा, जब आप बल्क में मैन्युफैक्चर करते हो, 100 200 पीस भी अगर हो गए तो किलो किलो भर का तो एक्स्ट्रा प्लास्टिक निकलेगा वेस्ट में। ये देखो, ये बल्क में अगर आप 2 लाख 3 लाख पीसेस बना रहे हो तो एक्स्ट्रा प्लास्टिक जो है वो काफ़ी मैटर करता है। ये देखो एक्स्ट्रा प्लास्टिक यहाँ पे मेरे अंगूठे की तरफ, तो काफ़ी वेस्ट भी करते हैं। तो ये इंडियन प्रोडक्शन की एक कमी है, अभी हमने शुरुआत की है, आगे जाके हम टक्कर भी दे सकते हैं किसी और कंट्री को भी। बात कर लेते हैं इसकी, तो इसका ये भी मूवमेंट होता है, ये एक जेसीबी है, और इसका फावड़ा भी देखो आप, इसका फावड़ा भी हिलता है, और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है, ये ऐसे घूमता है देखे तो, ये ऐसे काफ़ी अच्छा है ये भी। और
हम बात करेंगे इस जेसीबी की, तो इसका ये भी मूवमेंट होती है ऐसी। और बारीक डिज़ाइन देखो आप इसका कैसा किया है। अभी मैं ना ये फावड़ा अभी हिलाऊंगा तो ये अंदर जाएगा। हाइड्रोलिक सिस्टम देखो इसका, देखो पूरा अंदर तक जाता है। तो कितना बारीक डिज़ाइन है, एकदम माइक्रो प्रोडक्शन। देखो देखो ये भी देखो, एकदम पतला सा है। तो और ये यहाँ से पूरा हिलता है ये फावड़ा भी, और यहाँ पे टायर्स भी, आप इसको मोशन भी दे सकते हो। ये टायर्स है यहाँ पे। अभी हम बात कर लेते हैं इस जेसीबी की, तो ये साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है, और ये जो है ये यहाँ से मोशन भी करता है, और इसका फावड़ा भी काफ़ी अच्छा है। देखो अभी ये भी वैसे ही डिज़ाइन किया है। देखो इसकी हाइड्रोलिक सिस्टम देखो आप, जो उन्होंने बताने की कोशिश की है हाइड्रोलिक सिस्टम ओरिजिनल में होती है। तो ये काफ़ी बारीकी से डिज़ाइन किया गया प्रोडक्ट है, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। एक्स्ट्रा प्लास्टिक आपको कहीं पे भी निकला हुआ नज़र नहीं आएगा, कोई भी वेस्ट, ये जो मैन्युफैक्चरर से वेस्ट प्रोडक्ट कोई भी होने नहीं देते हैं। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है इसकी, और इसका भी, इसका इंजन देखो, इंजन आगे है इसका, और आवाज़ भी कम करता है ये इंजन, और थोड़ा सा ढकेलने पर बहुत देर तक चलते हैं ये टायर्स। गियर बॉक्स आगे की तरफ है और यहाँ पे पैक है, मतलब जो इंडियन में है आप देखें, देख सकते हैं यहाँ पे ये पत्रे का गियर चुभ सकता है, बच्चे को चुभने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, लग सकता है खेलते वक्त, ये निकला हुआ है बाहर। तो इसका जो गियर बॉक्स है वो कवर्ड है, टायर भी काफ़ी अच्छे है, ग्रिप ग्रिप भी दी हुई, बारीकी से डिज़ाइन किया गया है, और काफ़ी अच्छा टॉय है यहाँ पे। इसमें एक मिक्सर भी आता है, मैंने पिछले वीडियो में मिक्सर की वीडियो जो बनाई थी, तो इसके जैसा ही दिखता है वो मिक्सर भी। बेस जो है, ये बेस जो है वो दोनों का सेम है, ऊपर का ये बदल गया है बस। मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है वो एक ही है दोनों की, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। आपको मिल जाएगा 200 रुपये के आसपास ये वाले जेसीबी, और वो छोटे छोटे 120 रुपये के आसपास मिल जाते हैं। और वो जो फायर ट्रक है, ये फायर ट्रक आपको 150 रुपये के आसपास मिल जाएगा। साइज़ भी इसकी बड़ी है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो ऐसा है।